हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं हूँ बर्लिन के एयरपोर्ट पे और मैं आपको देना चाहता हूँ एक छोटा सा रिव्यू मेरा यहाँ के एयरपोर्ट का। वो वाली जो आप ट्रेन देख रहे हो वो बर्लिन की लोकल ट्रेन है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं। हाँ, तो वो वाली लोकल ट्रेन टाइप है बर्लिन की, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पे आने के लिए। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे आए कैसे, या तो आप यहाँ पे आए हो तो सिटी कैसे जाएँ। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ की है ये लोकल ट्रेन का स्टॉप। लोकल ट्रेन आती है और रीजनल ट्रेन्स भी यहीं पे आती है, और इसके ऊपर ही है टर्मिनल 1 का स्टेशन, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। बेसिकली आप 2 एस्केलेटर लोगे तो और ऊपर आप पहुंच जाओगे। इसके ऊपर है अराइवल और उसके ऊपर होता है डिपार्चर। तो जब बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे आना। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे लोकल ट्रेन्स भी है और रीजनल ट्रेन्स भी आपको मिल जाएगी यहाँ से थोड़ी दूर की सिटीज़ जाने के लिए। और या ये थोड़ा कन्वीनियंस वाइज अगर मैं देखूँ तो लेट्स से दिल्ली से थोड़ा बेटर है, क्योंकि दिल्ली में ये रीजनल ट्रेन या मेट्रो जाने के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, बट इसमें एग्जैक्टली नीचे है। तो वो है टर्मिनल 2 का अराइवल और उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे है वेलकम सेंटर। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और उसी के साइड में ही यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है और बस स्टॉप भी है जो आप जा सकते हो। तो ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुका है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा साल लग गए थे और काफ़ी ज़्यादा डिलेड था, काफ़ी ज़्यादा जो जितना एक्सपेक्टेड प्राइस था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे खर्चा हुआ था। तो या उसमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था, लेकिन रिसेंटली कुछ साल पहले ये बना है और अभी तक तो अच्छा लग रहा है। कभी भी आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आपको बेहिजक आपको यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर या टूरिस्ट सेंटर पे चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली सबको यहाँ पे इंग्लिश तो आती है। तो वहाँ पे है टर्मिनल 2, यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं वैसे जाने के लिए। और ये पीछे है टर्मिनल 1, तो आई गेस सिर्फ ये एक रूट नहीं होगा यहाँ से जाने का, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2। तो आप अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो यहाँ से जो लोकल ट्रेन है वो अंडरग्राउंड टर्मिनल 1 के नीचे थी। एयरपोर्ट पे वॉशरूम यूज़ करने का अलग ही मज़ा है, एकदम साफ़ रहता है। और स्पेशली यूरोप में तो टॉयलेट जो होते हैं सिटीज़ में उसके 1 यूरो ऑलमोस्ट लगते हैं आपको जाने का, बट एयरपोर्ट पे फ्री है। तो ये जो आप देख रहे हो लाइन से, ये सेल्फ चेक इन काउंटर्स है। आप यहाँ पे बस अपना पासपोर्ट स्कैन करके चेक इन कर सकते हो और जस्ट ड्रॉप ऑफ करने जा सकते हो। तो ये बर्लिन एयरपोर्ट की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि यहाँ पे ये वेइंग मशीन्स है केबिन बैग के लिए। तो जैसे मैंने ये वे ऑन कर दिया, और अगर जैसे मुझे ये केबिन में लेके जाना है तो मैं देख सकता हूँ ये कितने किलो का है। तो ये वाला है 9.2 kg और अलाउड जनरली होता है 10 किलो। तो आप सेफ फील कर सकते हो, जो मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखा, अच्छा है यहाँ पर। और जैसे यहाँ पे चेक इन काउंटर्स है और उसी के जस्ट साइड में ही है यहाँ पे गेट्स। यहाँ पे आप देखो तो अभी सिक्योरिटी चेक हो रहा है और उसके बाद आप सीधा अंदर जा सकते हो। तो मैं टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ आपको बर्लिन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का। ओह, वहाँ से फ्लाइट जा रही है, वाओ। शायद कैमरे में ना दिखाओ। तो सब लोगों के गिल्टी प्लेजर होते हैं, तो मेरे भी एक गिल्टी प्लेजर है स्पेशली। तो जब भी मैं एयरपोर्ट में आता हूँ ऐसी जगह में, तो स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली एयरपोर्ट पे, यू नो। या तो इन जनरल कोई भी महंगी कॉफ़ी पीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्टारबक्स हो तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग फील आती है, यू नो। आप अमीर फील करते हो थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट। तो या ये मेरा एक गिल्टी प्लेजर है, सबका होता है, तो ऐसे जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के एयरपोर्ट की एक और चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे फ्री वाईफाई है, ओपन वाईफाई है। तो आपको आप किसी भी मोबाइल से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट में मैं बताऊँ तो आपको इंडियन नंबर चाहिए होता है, फिर उस पर OTP आता है। तो अगर कोई बाहर से है या फिर जिसके पास इंडियन नंबर नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरनेट यूज़ करना, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होती है।
जर्मनी आओ और कार की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बीच में ही गोल्ड प्लेटेड BMW खड़ी है। कोई ऐप है आई थिंक, उसका प्रमोशन चल रहा है, बट कूल लग रही है। नहीं तो वो है Terminal 1, ये है ग्राउंड फ्लोर, और इसी के बाहर आओगे तो आपको रेवे दिखेगा। रेवे यहाँ का एक सुपर मार्केट है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर आपको सस्ते में चीज़ खरीदनी है, यहाँ पे आपका ले ओवर है या तो आपको भूख लग रही है, तो आप रेवे आ सकते हो। यहाँ पे रेडीमेड सैंडविच, मफिन, यू नो, और भी चीज़ें खरीद सकते हो। तो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सस्ता है एयरपोर्ट के प्राइस के हिसाब से। तो आप सीधा इंटरनेशनली यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको शायद एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सिम कार्ड कहाँ से मिलता है। तो मैंने लिटरली वहाँ पे कोई सिम कार्ड शॉप तो एक्चुअली देखी नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता। बट ये बहुत ही कन्वीनियंट है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, मैं नीचे ही खड़ा हूँ यहाँ पे लोकल ट्रेन स्टेशन पे। तो आप यहाँ से सीधा आप बर्लिन के मेन स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये मैं बता दूँ तो यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे टाइप की ट्रेन्स होती हैं। ये वाली ट्रेन जैसे आपको लिख रहा है यहाँ पे, जैसे एस बान लिखा है, तो एस बान की जो ट्रेन होती है वो एस से सीरीज स्टार्ट होता है। तो जैसे S9 या S8 कुछ तो रहेगा। तो ये थोड़े ज़्यादा दूर की ट्रेन्स हैं, लाइक इसको ट्राम नहीं है, यू नो, थोड़ी मेट्रो टाइप है ये। तो ये जा रही है अभी बर्लिन। और एक अभी मैं दूसरे टाइप की जो ट्रेन लूँगा उसको बोलते हैं रीजनल बान या तो रीजनल एक्सप्रेस, जो थोड़े ज़्यादा दूर की सिटीज़ कवर करती हैं, जैसे लाइक 200-300 मैक्सिमम किलोमीटर्स। जैसे ये वाली ट्रेन है, ये है रीजनल बान जो मैं लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आसपास के काफ़ी सिटीज़ के लोग आए हैं बर्लिन से फ़्लाइट लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है। तो जैसे ये वाली ट्रेन है, ये बर्लिन से ही आ रही है, वाया बर्लिन होते हुए आ रही है, RE7। तो आप यही वाली ट्रेन RE7 या फिर और कोई अदर डायरेक्शन में जाने वाले आप आराम से लेके बर्लिन में सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। वैसे मैं इन जनरल घूमने के बारे में वीडियो बनाता हूँ, मैं इसमें पर्टिकुलरली घूमा नहीं, बस एक ही जगह पर था। बट या आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, और नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, bye.